आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है थोड़ी से वाटर की ड्रॉपलेट्स डालनी है नोट प्लेसाउंडी पानी के ऊपर लीव डाल के ऊपर सोल्ट और सुगर शुगर सोल्यूशन ऑन द माउंटेड रिया लीफ ऑन द ग्लासाइड जो हमने रियल लीफ जो हमने ग्लास लाइड पे रखी है इसके ऊपर या तो सोल्ट का सोल्यूशन या फिर शुगर का सोल्यूशन में डालना है कंसंट्रेटेड होना चाहिए वो देन वेट फॉर मिनट्स फ्यू मिनट्स एंड अगेन ऑब्जर्व द लीफ अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप अब हमें दोबारा से लीफ को ऑब्जर्व करना है तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होंगी ऑप्शन 1 बोल रहा है सेल कंटेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल सेल का जो कंटेंट है वो सेपरेट वॉल सेल वॉल सेपरेट हो जाएगा साइटोप्लाज्म अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज कम टू लाय ऑन वन साइड ऑफ सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अ अलोंग विद द साइटोप्लाज्म के साथ-साथ वो एक सेल वॉल की किसी एक साइड पर जाकर के वहीं पे रहेगी uh, जो जो प्रोटोप्लास्ट होगा सेल सेल का वॉल होगी उसके बीच में काफी स्पेस प्रेजेंट होगा या फिर all of these. तो यहां पे हमें पता चल रहा है कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस की बात हो रही है प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मोलिसिस क्या प्रोसेस होता है कि जब कोई भी सेल जो होती है जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाली जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं

सेल वॉल और यहाँ पे जो पिंक पिंक है ये सारा क्या है सेल का साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मोटोप्लाज बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म है तो ऐसे दिखेगी है। अब यहाँ पे क्योंकि वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा है और जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर क्या जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला वहां पे जो वाटर का कंटेंट है वो है लो तो होगा क्या ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ से जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा बाहर के एनवायरमेंट में यानी बाहर जो हमने सॉल्यूशन डाला है उसके अंदर चला जाएगा अब जो पानी है वो साइटोप्लाज्म वैक्यूल दोनों से चला जाएगा इस वजह से क्या होगी कि जो सेल है वो कर जाएगी श्रिंक इसी श्रिंकेज को हमने क्या नाम दिया है एग्जॉस्मोसिस भी बोलते हैं इसको एग्जॉसमोसिस या फिर इसको प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं तो सेल्स कैसे दिखने लगेंगी ऐसे दिखने लगेंगी ये जो होती है ये हो गई सेल वॉल सेलवॉल ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर का जो कंटेंट है वो है प्रोटोप्लास्ट तो ऐसे दिखने लगती है सेल ये होते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि हमें सभी चीजें देखने को मिल रही है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें या डाउट या नेटअपएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर